ओए सामने से भाई एक डॉग आ रहा है नी की तरफ को। अरे कुल्ला क्यों छोड़ दिया यू? देखना भाई कैसा अगले दोनों पैरों पर खड़ा होगा मिल रहा। आज सिम्बा के साथ प्रैंक करते हैं, यहाँ पे छुपका सिम्बा का रिएक्शन ले होंगे, देखते हैं क्या करे। ट्रैक्टर वाले भी देख देख कर जा रहे, नु कह रहे क्या करवा दिया। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल द डॉग चैनल। और एक ना देखो तीनों कैसे एक जगह पे सो रहे, थोड़ी सी ठंड हो रही थी ना इसलिए सो गए। सिम्बा तो उठ का भाग गया। तो गाइस अभी अपना रोक भी उठ गया, उठते अंगड़ाई लेने लगा। और गाइस जब तक मैं उठता नहीं सारे के सारे सोते ही रहे। तो गाइस अभी कोको अपने पप्पीज के पास आ गई और गाइस रात से अभी दूध पिला रही है ना। रात के टाइम इनके पास नहीं लेटती, पहले तो इनके पास रहती, बट भाई पता नहीं क्यों नहीं रहती, शायद ये बड़े हो गए इसीलिए नहीं रहती, बुढ़के बरल लगे थड़ों में। तो गाइस अब एक बार मैं भी नहाता हूं, फिर थोड़ी बहुत देर में अमन करवाऊंगा घर पे। आज अपने चैनल की ओपनिंग हो जाएगी। अब भाई एक बार आम के पत्ते लेने चलता हूं, थोड़ी देर बाद अमन होगा ना। और गाइस रोकू शायद पता चल गया कि मैं बाइक पर जाने वाला कहीं। रोकू तू शाम के टाइम चलिए, शाम के टाइम। ये देखो चले मेरा क्या हाल करो, सारी टी शर्ट गंदी कर दी। बट भाई डॉग्स में रह रहा है, अब तो आदत होगी। बाइक के बिल्कुल पीछे खड़ा, बैठने को बिल्कुल रेडी, बाइक पर चलागा रहा नहीं जाता। और गाइस पीछे से रेड किंग वाली गैंग भी आ गई, हाँ अच्छे से गंदा करागा इसने तो भाई, बढ़िया डाली बैंड बजा दी। शाबाश बेटा। एक बार दूध पिला रहा था, रोको देखो कैसा कर रहा। रोको दूध पीऊगा कि नहीं पल्स है? दूध पिया लेने देना है, बिल्कुल आग गड़ गया मेरे, दूध पिया लेने दे। दूध रोको दूध पीऊगा कि ला पी ले, ला पी ले, पी ले, पी ले, पी ले। फाइनली सभी ने दूध पी लिया। और गाइस रेड किंग की आज मुझे थोड़ी सी कंडीशन ढिली ढिली से लग रही, पता नहीं क्या हो गया। वैसे तो भाई से ने दूध वगैरह पी लिया, बट भाई जैसे मैं हाथ में उठा रहा थोड़ा गरम गरम सा लग रहा। एक बार भाई टेम्परेचर चेक करता हूँ, क्या पता भाई फीवर हो गया हो। तो गाइस अभी इन सबको लेकर इस साइड आया था, थोड़ी बहुत देर इनकी ग्रिप लगवाता हूँ। और गाइस ग्रिप इसलिए लगवा रहा, दोस्त आ रहे थे, कह रहे थे ग्रिप देखने की। रोक देखो बिल्कुल पागल हो रहा, एक बार हाथ में आ जाए तो बार। रोक्सी वाला पप्पी आ गया, यो भाई कल से दो बार आ गया हमारे घर पर भाग के। टी शर्ट चेंज कर ली, अब लेकर आता हूँ आम के पत्ते। रोक के बच्चे दूर रहिए इस बार मेरे से, पहले जा लिया बाइक के पास। तो गाइस आ गया फाइनली आम की टहनी लेकर। वाइस हो गया फाइनली अमन, अब भाई शाम के टाइम यहाँ पे गेट वगैरह लगवा दूंगा। तो गाइस अभी भगत सिंह भी आ गया, बट भाई आने में ज्यादा लेट हो गया, अब तो बस खाना खा सके, आजा खा ले। A few inches later. शाम होगी, अब एक बार रेड किंग को देखता हूँ रेड किंग कैसा है। सुबह मुझे थोड़ा ढीला ढीला सा लग रहा था, सारे के सारे मजे से सो रहे, बस रेड किंग उठ रहा। रेड किंग ठीक है तू? है भाई, सबसे पहले रेड किंग आ गया, इसका मतलब ठीक है। वैसे तो मैंने इसका टेम्परेचर चेक करा था, बिल्कुल नॉर्मल है, बट भाई फिर भी टेंशन सी होगी थी। देखना भाई अब तो पूरा एक्टिव है, कुछ एकदम से मौसम चेंज हो गया ना, इन दिनों से बीमारी आ गई है डॉग्स में। और एक इसे देखो लुल्लू को, यह सारे दिन यही बैठी रहे। तो गाइस मुझे अभी एक फोन मिला, पता नहीं किसका है। सिम्बा तेरा है फोन? नहीं, शायद किसी दोस्त का रह गया, सुबह रहते ना मन पे। तो गाइस अभी फोन का पता चल गया किसका है, बग्गा के ओनर का फोन है, थोड़ी देर मान लग रहा हो। ले भाई तेरा फोन पकड़, बुढ़के भर ले इसमें, ले पकड़, बोलेगा करू। बग्गा ने देखो पन्नी के अंदर ही ग्रिप लगा ली, मेरे हाथ में पन्नी थी, इसने इसी पन्नी में ग्रिप लगा ली। ओ बेटे के, ये तो भाई सारी चीजों में ग्रिप लगा हुआ है, अगर सामने से कोई बाइक बाइक जावे उनके भी टायर पकड़ ले। मेरे पास भाई एक थोर था, वो करा था ऐसे ऐसे काम। सामने से डॉग्स को देखो कैसे एग्रेशन कर रहे बग्गा के ऊपर, बार बार तीन चार डॉग आवे और मुंह का भाग जा। बुलेट के स्टार्ट करते ही बग्गा बिल्कुल एक्टिव हो गया, टायर पकड़ने को, ए पैर पकड़ लगा तेरा अभी। ओ भाई साहब, भाई रहने दे पीछे कर ले, क्यों मारे टायर में पंचर लगवा हुए। चल ठीक है बग्गा, बाय बाय, पैर ना पकड़वा दिए भाई, खींच ले से। ओए ओए अबे साले। तो गाइस आ गया घर पे, अंदर से रोक भोक के जा रहा, रोक को खेत में लेके चलता हूं। रोक बिल्कुल गेट तोड़ने को रहा, बाहर आते देखो दोनों के दोनों कैसे पुदक रहे मेरे आगे पीछे घूम रहे। शाम होते बिल्कुल पागल हो जा घूमने के नाम पे, कल हम इसे ले जा नहीं पाए थे ना बारिश की वजह से, आज लेके चलते हैं ना दोनों को। दोनों को देखना कैसे मस्ती कर रहे, सिम्बा भी रोक भी, अब तो भाई इनकी पूरी पक्की दोस्ती होगी दोनों की। सिम्बा हमेशा की तरह डॉग्स को देख कर बिल्कुल पागल हो गया, पूरा तुड़फुड़ा रहा। सामने डॉग बैठा ना, सिम्बा नहीं साले को बम से उड़ा दूंगा। बस बस रुक जा। तो गाइस आके फाइनली खेत में, और गाइस सामने देखो कितना ज्यादा बुरा हाल हो रहा, बट भाई डॉग्स का ऐसे में जी लगे, इनकी तो पूरी मौज आ गई, रोक की भी और सिम्बा की भी। और गाइस अगर कोको होती, कोको तो बिल्कुल पैर फैला के लेट जाती यहाँ पे। और गाइस आज इन दोनों को थोड़ा दूसरे रास्ते पे लेके चलते हैं। ओए सामने से भाई एक डॉग आ रहा है नी की तरफ को, अरे कुल्ला क्यों छोड़ दिया यू? अटैक तो नहीं करने का? अरे हमारे वाले तो कह सके भाग गए हो तो पहले ही, क्योंकि भाई थोड़ा बड़ा डॉग है, क्या पता अटैक कर दे। रोक रोको नहीं, फीमेल है फिर तो कुछ नहीं कहे, कुछ भाइयों पहले ही भाग जावे, इनके हाथ नहीं आने वाला। और गाइस हिम्मत भी पूरी है इसके अंदर, बार बार इनके पास आवे और पीछे भाग जावे। रोक जाइए, गया सामने एक खूंखार दरिंदा भी खड़ा। क्या बोला तूने? हो रहा हो भाग गया, पमेलियन पूरे एग्रेसिव हो गए, बस रोक को इससे बचाना पड़ेगा। देखना भाई कैसा अगले दोनों पैरों पर खड़ा होगा मिल रहा। ये भाई रियल के छोटे पैकेट बड़े धमाके हो गए, सामने वाला चाहे कितना ही बड़ा हो सीधा अटैक करते है। देखना भाई कैसे बिल्कुल तनका खड़ा हो, ये रोक को पीछे कर ले, एक बार के मेला पक लिया जाएगा खत्म। कुछ भाई वाली तो फीमेल है इसलिए रोक कुछ नहीं कह रहा, बट भाई ये तो मेल है, पड़े छोटा सा हो है तो मेल ही, क्या पता अटैक कर दे। बात सही है, खतरनाक मामले को पहले आगे भेज दिया, इन्हें थोड़ा पीछे से ही लेकर आता हूँ। मेरे हाथ में देखो क्या है, आज मैं पहले स्टिक लिया था, अगर इमरजेंसी होगी लोक तो हटवा दूंगा। जब से भाई से ना उस डॉग का लोक लगाया था ना, तब से डर लगा लगा अपने साथ स्टिक रखूं। यही वाले ही है वो जिसके अंदर रोग घुसा था और जाके एक डॉग पकड़ लिया, वैसे ही नॉर्मली घूमता घूमता इसके अंदर घुस गया और जाके समझ रहे हो। तो गाइस अभी इस खतरनाक सिस्टम का जाने का
टाइम हो गया, वरना इसका सिस्टम हैंग हो जाता। मुझे पता पमेलियन के नेचर का, ये 100% अटैक करे, चाहे इन पर कुछ हो गया ना, अपना साइज देखते नहीं, सामने वाले पर अटैक कर दे। रोक को खुला छोड़ दिया और गाइस खुला छोड़ते ही स्विमिंग पूल के अंदर घुस गए दोनों के दोनों। रोक के बच्चे अंदर जा लिया, बाहर आ जल्दी, ओए बाहर आ जल्दी, ईंक के अंदर पानी भर रहा था ना, पानी के अंदर घुस गया था। रोक और सिम्बा को देख कैसा लगा, छोटू और लंबू की जोड़ी। रोक हमारा थोड़ा छोटा हो गया, सिम्बा कुछ ज्यादा लंबा हो गया। और गाइस सामने एक बहुत बड़ा पक्षी गया उड़ गया, पता नहीं क्या है, चील है शायद, उसके पीछे भाग गया था सिम्बा। तो गाइस अभी मेरे दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आ रहा, सिम्बा के साथ आज तक हमने कोई भी प्रैंक व्रैंक कुछ नहीं करा, आज सिम्बा के साथ प्रैंक करते हैं। ओए सिम्बा यहां जल्दी, फंस गया। प्रैंक ये है, सिम्बा को यहां पे बांध दिया, अब हम इसे छोड़कर आगे चलते हैं, रोक को अपने साथ लेकर। आजा भाई रोक को छोड़कर चलेंगे इसे। चल ठीक है सिम्बा, बाय बाय। चीटिंग करता है तू, देखते हैं भाई सिम्बा क्या करे। आजा रोक, रोक इसे छोड़कर नहीं आ रहा, आजा रोक आगे चल, प्रैंक करेंगे उसके साथ जल्दी आ, थोड़ी आगे चल के देखेंगे क्या करे। रोक आजा घर चलेंगे, उसके पास ना जावे। रोक बार बार उसके पास जा रहा, छोड़कर चलेंगे उसे घर पे, घर पर चलेंगे छोड़कर जल्दी आ। नहीं राजा छोड़कर चलेंगे उसे। रोक को शायद पता चल गया, रोक बिल्कुल बीच में खड़ा हो गया, कंफ्यूज हो रहा, आ गया हमारे पास ही आ गया। रोक आजा आगे आजा जल्दी आ, प्रैंक करेंगे उसके साथ। ये रोक बीच में काम बिगाड़ रहा, आ गया आ गया आ गया, शायद इसे पता चल गया कि हम प्रैंक कर रहे, कोई सीरियस में छोड़कर नहीं जा रहे। यहाँ पे छुपकर सिम्बा का रिएक्शन ले होंगे, देखते हैं क्या करे, ज्यादा परेशान भी नहीं करने के, थोड़ी देरी प्रैंक करेंगे। अभी तो फिलहाल झटपट आ रहा, नु कह रहा मुझे छोड़कर भाग गए, गाली दे रहा होगा मैंने मन में। साथ में रोक का भी रिएक्शन देखेंगे, रोक क्या करे, कितनी देर तक बिना सिम्बा के रहोगा, अभी तो वहां से भोकल लग रहा हो। तो गाइस अभी रोक सिम्बा के पास भाग गया, गया देखना भाई कितनी स्पीड से जा रहा। सिम्बा बेचारा ज्यादा परेशान हो गया था, आज हमने फर्स्ट टाइम ऐसा करा इसके साथ। रोक तेरे दोस्त को बांध दिया था हमने, और गाइस ये देख लो रोक भी दया आ गई इस पे, इसका पट्टा पकड़ के खींच रहा। रोक खोल लगा कैसे, खोल कमरा, काटने की प्लानिंग ज्यादा कर रहा, रहने दे रहने दे रहने दे, देखना भाई पूरे जोर लगा रहा। थोड़ी देर रोक को भी देखते हैं रोक क्या करे, रोक पूरी ताकत लगा रहा खोलने को। रोक अपने साथ साथ सिम्बा को लेकर एक के अंदर ही घुस गया, अरे रहने दे वहां को ना खुलने का, सिम्बा की बजा दी इसने बैंड पट्टा खोलने के चक्कर में। बट भाई है कि रोक ना हमारा स्टार्टिंग में साथ दिया, हमारे पीछे पीछे आ गया था, अब आकर तो थोड़ा गुस्से में आ गया। रोक नु कह रहा जल्दी खोल लो, अब भी लगा पड़ा उसे लेके। और गाइस अगर रोक की जगह पर कोको होती, कोको के साथ तो बहुत ही भयंकर रिएक्शन आता। चल भाई सिम्बा जी ले अपनी जिंदगी, खुला छोड़ता हूँ इसे, भाग जा, मन मन में गाली दे रहा होगा। थोड़े दिन बाद कोको को लेकर आऊंगे खेत में, अभी तो लेकर आ नहीं सकते, उसके पप्पी दूध पीवे। ओए तम के करवा रहे, ये उसकी ग्रिप लगवा रहे वहां पे, कोको के साथ देखना क्या भयंकर रिएक्शन आवे, देखना बिल्कुल गोल गोली घुमा दिया पट्टे में, कितनी कैडी ग्रिप लगा रखी। अरे रहने दे बस, चोट लग जाएगी, रहने दे छोड़ दे छोड़ दे। और गाइस लोग हटवाने की पूरी कोशिश कर रहे, बट भाई मुझे पता रोक इनका तो से लोग छोड़ने का नहीं, देखते हैं क्या करें। चलो भाई चलो पूरे जोर लगा लो, अभी तक तो रोकना छोड़ना नहीं। चलो 30 सेकंड का टाइम है तेरे दुरे, मुंह वो तो छोलना दियो, तुम इसका मुंह ना छोल दियो, देख के लगाओ पूरे जोर लगाओ। सामने से ट्रैक्टर वाले भी देख देख कर जा रहे, नु कह रहे क्या करवा दिया। ओए दांत तोड़ा का, दांत तोड़ा का, नुनी तमीज से खुलवा, 30 सेकंड होने वाली थारी। लो भाई रोक तो पट्टा ही लेकर भाग गया, 10 सेकंड रह गई बस, 9 8 7 आंख ना फोड़ दे इसकी, 6 5 4 3 2 चल 5 सेकंड का और टाइम दे दिया, खुलवा हो गए जोर तू भाई, बहुत देर हो गई इनकी साथ मस्ती, अभी ना थोड़ी बहुत देर में घर वापस लेकर चलूंगा। सिम्बा तो मन मन में गाली दे रहा होगा, अब तक मुझे सिम्बा के साथ प्रैंक कर दिया ना हमने। और गाइस आज के व्लॉग के एंडिंग यहीं पे करता हूँ, वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।